मैं डॉक्टर गिरधरलाल सैनी हूँ। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट, मैथमेटिक्स पेपर सेकंड, डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक इनफाइनाइट सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम कुछ परीक्षण का टेस्ट करेंगे जो निम्न प्रकार से है। धन पदों की श्रेणी, ये धन पदों की श्रेणी क्या होगी? श्रेणी से मतलब वो इनफाइनाइट सीरीज से है। एक श्रेणी जिसमें सभी पद धन यानी पॉजिटिव हों, अर्थात श्रेणी UN धन पदों की श्रेणी कहलाएगी। यदि UN ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल N बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी इस UN के जो प्रत्येक पद हैं वो सारे प्लस के हों, कोई भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसी श्रेणी को हम धन पदों की श्रेणी कहेंगे। और अब हम क्या है कि ये जो धन पदों की श्रेणी है इनके अभिसरण की जांच करेंगे। सबसे पहले तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट, यानी तुलना एक ऐसी श्रेणी से करते हैं जिसके अभिसरण या अपसरण के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं द्वितीय तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, ये क्या है? यदि समेशन UN तथा समेशन VN दो धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं तथा यदि लिमिट UN अपॉन VN इक्वल टू L नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अशून्य एवं परिमित फाइनाइट, यानी वो नॉन जीरो और फाइनाइट होनी चाहिए, तो दोनों श्रेणियां एक साथ या तो अभिसारी होंगी या अपसारी। उस समय हम ये कहेंगे कि जो सीरीज दे रखी हैं UN और VN दोनों एक साथ या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। नोट,
इसमें कुछ बातें ध्यान देनी होगी हैं। पहला, इस परीक्षण को व्यावहारिक तुलना परीक्षण, भी कहते हैं, ज्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसी तुलना परीक्षण, का मतलब जितने तुलना परीक्षण से ही है, तो तुलना परीक्षण द्वारा किसी श्रेणी का अभिसरण या अपसरण ज्ञात करने के लिए एक अन्य श्रेणी की अन्य श्रेणी समेशन वी एन की आवश्यकता पड़ती है। जो समेशन वी एन की सहायक श्रेणी ऑक्सिलरी सीरीज कहलाती है। इसे हम श्रेणी यू एन से ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद में हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, का अभिसरण, यानी कब अभिसारी होगी, कब अपसारी होगी। हाइपर हार्मोनिक जो सीरीज है, समेशन 1/n^p (p)(1)/(1)/(2)/(3)/(1)/(n)^(p)/(n) यानी यहाँ पर जैसे n है, क्योंकि यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल n, नेचुरल नंबर्स होते हैं, तब इसे n की जगह में 1, 2, 3 रखते जाइए तो ये पद प्राप्त होते जाएंगे। तो ये जो श्रेणी है वो फर्स्ट अभिसारी होगी यदि p>1 तथा अपसारी होगी यदि p>1। तो यहाँ पर जो सीरीज है वो देखो इस प्रकार से होनी चाहिए, 1/(n)^p। तो यहाँ पर ये जो p है वो हम देख लेंगे, अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस सीरीज को हम अभिसारी कह देंगे, और अगर p का मान 1 या 1 से कम है तो उसको हम क्या अपसारी कहेंगे। तो ये थी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी और इसका अभिसरण कैसे होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, श्रेणी
un 1 upon 2 plus root 2 upon 5 plus root 3 upon 8 plus dot dot plus root n upon 3n minus 1 plus dot dot. के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, यानी ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है, ये हमें देखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन जो है, ये जो सीरीज दे रखी है, तो इसका हम क्या n-वां पद लिखते हैं। तो देखो ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस प्रकार से ये n-वां पद है। ये यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हमें क्या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको देखते हुए हम लिखेंगे। तो यहाँ un इक्वल टू अंडर रूट n अपॉन 3n माइनस 1, यानी ये हमें क्या है इसमें दिया हुआ है इक्वल टू। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अगर हम इसमें, क्योंकि लिमिट अपर रखते हैं डायरेक्ट, तो अगर n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बढ़ जाएगा, जो क्या होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म में अंडर रूट होता है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अंडर रूट n ऊपर ऐसा कैसा है, उसके बाद नीचे भी क्या कि आप n कॉमन लीजिए, तो n कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, ये 3 माइनस 1 अपॉन n। अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो है ना, जैसे रूट n यहाँ पे, ये n, इसको क्या आप नीचे की तरफ लाइए, तो ये लग जाएगा 1 अपॉन रूट n और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 3n। तो अब यहाँ पर, क्योंकि देखिए अभी हमने उसमें लिखा था 1 अपॉन n की पावर p, तो हम इस प्रकार की जो सीरीज बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पर जैसे un जो है, क्योंकि हमने लिखा था कि हमें इस श्रेणी को के अभिसरण के लिए एक अन्य श्रेणी की आवश्यकता पड़ती है, और उस श्रेणी को हमने कहा था समेशन vn, सहायक श्रेणी। तो और ये भी कहा था कि ये जो सहायक श्रेणी है वो समेशन u जो n है उसी से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर उसका जो un है ना, ये इसमें से आप जैसे 1 अपॉन करके बाहर के n की पावर, उसको हम क्या है कि लेते हैं। तो माना सहायक श्रेणी समेशन vn है, जहां vn इक्वल टू ये 1 अपॉन अंडर रूट n। अब हम un अपॉन vn, तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा है ना, ये तो un है और ये है vn, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट n 3 माइनस 1 अपॉन n, ये तो आ गया un अपॉन, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट n। तो ऐसा लिखने बाद में क्या कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन n। अब इसमें क्या करते हैं, हम क्या इसमें लिमिट रखेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू, इस तरफ में है हमें लिमिट रख देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन n। अब ये जो वैल्यू है वो हम इसमें रखेंगे कि लिमिट रखेंगे, तो ये 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन 3 माइनस 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 ना, तो इक्वल टू क्या आ गया, ये 1 अपॉन 3 आ गया। तो हमने जो तुलना परीक्षण जो लिखा था उसके अनुसार क्या ये एल आ गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो जो एल है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नॉन जीरो फाइनाइट, यानी अशून्य एवं परिमित। तो ये अशून्य और जो परिमित है तो अतः हम कहेंगे कि तुलना परीक्षण से
दोनों श्रेणियां एक साथ या तो अभिसारी होंगी या अपसारी। ये हमने क्या है कि तुलना परीक्षण से बताया है, परंतु समेशन वी एन जो सहायक श्रेणी है ना, समेशन वी एन ये क्या है, समेशन वी एन अपसारी है, क्योंकि यहां p इक्वल टू, देखिए उससे तुलना करेंगे ना, ये वाला 1 अपॉन n की पावर p से, तो p की जगह यहां पर क्या है 1 बाई टू, तो यहां p इक्वल टू क्या 1 बाई टू, जो क्या है लेस देन 1, ये क्या है लेस देन 1, तो लेस देन 1 है तो इस श्रेणी क्या है समेशन वी एन अपसारी है, क्यों, क्योंकि यहां पर p का मान 1 बटा 2 है, वो 1 से कम है, अतः दी गई श्रेणी समेशन यू एन भी अपसारी है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को है ना हम इसकी सहायता से सॉल्व करते हैं। उसके बाद में फिर मैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, श्रेणी यू एन इक्वल टू अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 का परीक्षण कीजिए, यानी वही बताना है हमें कि यह अभिसारी है या अपसारी है। तो यह इसका सॉल्यूशन, तो यहां पर जो यू एन है वो क्या है, ये जो दे रखा है ना, तो इसको भी हम क्या कहते हैं ऐसे लिखेंगे समेशन यू एन इक्वल टू ये, तो यहां पर यू एन जो है वो क्या आ जाएगा अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अब इसको वापस कैसे लिखेंगे, ये तो अंडर रूट एन है ही, यहां पर आप एन स्क्वायर कॉमन लो तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, फिर आप क्या आपके होता है कि इसको हम क्या नीचे लाते हैं, तो ये 1 अपॉन एन की पावर 2 तो है, ऊपर से माइनस का 1 बाई 2 ये हम लिखेंगे, और यहां पर क्या है कि 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एन की पावर एल से लेके 4 माइनस 1 बटा 2 यानी 3 बाई 2 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। फिर हम मानेंगे, माना सहायक श्रेणी समेशन वी एन है, जहां जो वी एन है वो कौन सा आएगा, आप बता रहे इसके ये वाला लिखेंगे, तो 1 अपॉन एन की पावर 3 बाई 2 अब फिर हम क्या करेंगे कि यू एन अपॉन वी एन बनाएंगे, तो यू एन तो पूरा ये आ जाएगा 1 अपॉन एन की पावर 3 बाई 2 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन एन की पावर 3 बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, तो इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, ये इस तरफ लगा देंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है ना लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखने के बाद में क्या आएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये मान 0 होता है तो ये क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है 0, तो इस प्रकार से ये क्या है नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या आ गया यहां पर, ये अशून्य एवं परिमित आ गया है। तो फिर हम क्या कहेंगे, अतः तुलना परीक्षण से, अतः तुलना परीक्षण से दोनों श्रेणियां एक साथ
या तो अभिसारी होंगी या अपसारी, परंतु जो सहायक श्रेणी है, सहायक श्रेणी कौन सी? ये अपने यहां मान लीजिए जो है ना, ये वाली, परंतु सहायक श्रेणी कौन सी? समेशन वी एन। अब देखिए यहां पर जो पी का मान क्या 3/2 है, यहां समेशन वी एन अभिसारी है। क्यों? क्योंकि पी इक्वल टू क्या है? 3/2। पी इक्वल टू 3/2 और ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है। अतः दी गई श्रेणी यू एन बी अभिसारी है। तो इस प्रकार से हम ये तुलना परीक्षण से इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।